तो नमस्कार, आज रही प्याज के भाव में तेजी। लगभग अलवर मंडी में जो मथानिया का प्याज था, लगभग आज से दो दिन पहले जो 2200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था, आज दोस्तों 2800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो इसलिए हमारे अलवर के किसानों का अब ऐसा लग रहा है कि कुछ अलवर में प्याजों के भाव में तेजी रहेगी। तो सामने बैठे हैं मेरे सुरेश भाई और जान लेते हैं आज का प्याज का भाव। तो सुरेश भाई, क्या रहा आज का अलवर मंडी प्याज का भाव? भाई आज तो 28 रुपया किलो बिका है। कौन सा प्याज बिका है? ये है आपका जो गुजरात और मथानिया। हाँ, ये सभी प्याज आ रही है। अच्छा, ये आज बहुत दागी भी आ रहा है उसमें। और कलर कैसा आ रहा है? कलर तो अभी पुरानी प्याज तो कलर वाइज ही आ रहा है, मगर ठीक है, थोड़ा सा फाल्ट कलर आ रहा है। तो ये कहने का मतलब, अगर अपनी अलवर की प्याज का भाव तो और भी अच्छा रहेगा इससे? अगर चाहिए यार, पूरी रानी चाहिए, मतलब 3030 रुपए किलो। हाँ, इतना तो रहेगा, 1200 रुपए। मतलब ये है भाई, अपने प्याज का अच्छा भाव रहना चाहिए, इससे अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि वो प्याज आ रही है उसमें दागे की शिकायत भी बता रहे हैं और लगभग कलर भी अपनी प्याजों से कम रहता है। तो आज प्याज का भाव तेज रहा। तो कितनी आवक रही अलवर मंडी में बाहर की प्याज की? आज भी छोटी मोटी लेकर के पाँच गाड़ी रही और भाव रहा 2800 रुपये किलो। ऊंचे में रहा है ना शायद? ऊंचे में 2800 रुपये किलो। तो इसका मतलब अब अलवर की लोकल प्याज का कोई लोकल प्याज अभी तक तो आई नहीं है, आज आएगी दो चार दिन में आने वाली है। वैसे किसान को ज़्यादातर लोकल प्याज कब लानी चाहिए? थोड़ा बहुत मंडी में थोड़ा सा आके लाए, थोड़ा बहुत बढ़िया, दीपावली बाद लाने में फ़ायदा रहेगा ना। जिसकी बन गई है वो ले आए तो पैसा तो खैर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और मगर ये जो है थोड़ा माल को सुखा के लाए जो बढ़िया बिक जाएगी, बढ़िया भाव बिक जाएगा, है ना। तो दोस्तों, ये थे सुरेश भाई और प्याज के भाव मेरा तेजी का रुख। धन्यवाद इनका करते हैं।